वी होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल वी टू रिएक्शन पर। तो दोस्तों एक और शानदार वीडियो के साथ हाजिर है हम आपके सामने फिर से। तो वी टू रिएक्शन के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों आज जिस वीडियो पर हम रिएक्शन देने वाले वो है ऋषभ शेट्टी की ब्लॉकबस्टर मूवी कांतारा। जी हाँ दोस्तों कांतारा भाई एक मिनट उसके लिए ताली भाई कांतारा क्लाइमैक्स पर हम रिएक्शन देने वाले हैं। कांतारा मूवी का आप सभी ने नाम सुना होगा। 16 करोड़ के बजट में बनी हुई मूवी ने 410 करोड़ रुपए कमाए हैं और इंडिया ओवरसीज ये कलेक्शन है। और इसके जो डायरेक्टर एक्टर और राइटर है वो तीनों चीज एक ही बंदे ने करी है, ऋषभ शेट्टी ने। भाई बहुत बड़ी बात बैठती है मूवी को लिखना, स्क्रिप्ट करना, डायरेक्ट करना और फिर उसमें एक्टिंग भी करना। बहुत मेहनत से काम करा है बंदे ने, उसकी मेहनत रंग भी लाई है। 410 करोड़ कमाई मूवी ने ऑल इंडिया में, ब्लॉकबस्टर मूवी हुई है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है हमने इसके ट्रेलर पर भी रिएक्शन दिए थे और आपने उस ट्रेलर पर काफी प्यार दिखाया था, काफी अच्छी अच्छी आपकी कमेंट आई थी। तो दोस्तों इसी वजह से हम इसके क्लाइमैक्स पर भी रिएक्शन दे रहे हैं। तो दोस्तों आपसे उम्मीद करते हैं इस पर भी आप इसी तरह से प्यार दिखाएंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो जल्दी से ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। यू आर वेरी चालाक ब्रो, हमें कुछ बोलने ही नहीं दे रहे। चौथा भाई जान आया। तो भाई मतलब कांतारा के बारे में आपको फिरोज ने बता दिया है, शुएब ने बता दिया, बहुत ही बड़ी मूवी हुई है और बहुत ही जबरदस्त मूवी है। तो चलिए इस पर रिएक्शन देते हैं। जनता को पता लगना चाहिए। Thank you.
भाई बहुत जबरदस्त क्लाइमैक्स था। मूवी तो पहले ही देखी हुई है, बहुत जबरदस्त मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। गांव से कल्चर के मतलब एक गांव से रिलेटेड कुछ ऐसी मूवी है, इसमें कुछ ऐसी चीजें दिखाई हुई है जो जैसा कि गांवों में होता है साउथ तरफ में। हमारी तरफ तो अलग कल्चर है गाँवों का और उधर अलग कल्चर है, क्योंकि उधर खेती भी अलग है, सब चीज़ अलग है। उधर का रहन सहन, खान पीन, पहनना वहनना सब चीज़ अलग है उधर के, और हमारे इधर की सब चीज़ अलग है। मूवी के अंदर थोड़ा ऐसा ही दिखाया गया है गाँव के सिस्टम से लेकर, एक मतलब थोड़ा ऐसा ही है। और भाई इस मूवी का जो क्लाइमैक्स है बहुत ही जबरदस्त है, मतलब एक्टर ने जितनी इस एक्ट करने में जान लगाई है ना भाई, मतलब ये जो चीज है ना, मतलब बहुत ही हाई लेवल की, और इसमें मतलब बहुत ताकत और बहुत जान लगती है, क्योंकि सब कुछ एक साउंड स्पीकर से नहीं हुआ है, ये एक रियल वॉइस और रियल जो ऑडियंस है वो रियल कनेक्ट होती है रियल चीज से। तो भाई मैंने एक इंटरव्यू में देखा था, ऋषभ शेट्टी से पूछा गया था, इनका एक इंटरव्यू लिया जा रहा था, उसमें पूछा था कि अगर आपकी ये मूवी 16 करोड़ में जो मूवी बनी हुई है अगर, और इसने 450 करोड़ रुपए कमाए हैं, इतनी ब्लॉकबस्टर मूवी है, तो जाहिर सी बात है बॉलीवुड के अंदर भी रीमेक बनता है ऐसी फिल्मों का। तो इनसे पूछा गया था कि अगर आपकी इस मूवी के बजाय अगर इसमें कोई और एक्टर काम कर सकता है बॉलीवुड का तो वो कौन होगा। तो इन्होंने भाई किसका नाम लिया था, मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने नाम लिया था ऋषभ शेट्टी का ही। तो मतलब किसी का भी इन्होंने नाम लिया, सिर्फ अपना ही नाम लिया था। इन्होंने कहा था कि इस मूवी के अंदर जो एक्ट कर सकता है वो सिर्फ ऋषभ शेट्टी कर सकता है, क्योंकि वो स्टोरी भी इन्हीं की लिखी गई है और डायरेक्ट भी इन्होंने किया है, क्योंकि जो इन्होंने स्टोरी वो लिखी थी वो ऐसे हिसाब से लिखी थी अपने से रिलेटेड करके, मतलब क्योंकि भाई ये इन्होंने बताया था कि मैं इस गाँव में, इस ऐसे इलाके में, ऐसे कल्चर में, ऐसे उस जो भी आस पास वहाँ पर दिखता है माहौल है जो कुछ भी है, मैं बचपन से रहता हूँ और बचपन से उसे महसूस कर रहा हूँ और उस चीज़ को जी रहा हूँ, तो इसलिए मुझसे बढ़िया एक्ट इस मूवी में कोई भी नहीं कर सकता था, इसलिए मैं खुद डायरेक्ट बना और खुद मैंने मूवी लिखी और खुद एक्ट करना मैंने इसमें पसंद किया, इसलिए मूवी इतनी बड़ी और इतनी बड़ी हिट और सुपरस्टार ब्लॉकबस्टर बनी है। तो दोस्तों अगर आपको रिएक्शन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।